नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाने के संबंध में कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के संबंध में ट्रिपल टेस्ट परीक्षण बगैर कराए गलत तथ्यों के आधार पर दी गई जानकारी से प्रदेश में पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के ही कराए जाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा। इससे प्रदेश हत्या होना स्वाभाविक हो गया है। ओबीसी समाज की आधी से अधिक आबादी, पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी आपसे विनम्र निवेदन करती है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पुनः विचार करते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार को ओबीसी समाज के सम्मान व अधिकार के लिए शीघ्र विशेष सत्र बुलाकर ओबीसी आरक्षण प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन शीघ्र कराने का आदेश जारी करने की मांग की। देश के विकास में ओबीसी समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी 52% ओबीसी समुदाय अपने अधिकारों और अधिकारों से वंचित रहने से पिछड़ा वर्ग जातियों की स्थिति सरकार के जातीय जनगणना न कराने एवं आबादी के मुताबिक आरक्षण की व्यवस्था न किए जाने से जिए या मरे ऐसी अवस्था निर्मित हुई है। ऐसी स्थिति में जब तक स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जाता है और ओबीसी के अलग से जनगणना नहीं की जाती है, तब तक कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। ऐसा आदेश पिछड़ा वर्ग के संबंध में केंद्र व राज्य सरकारों को जारी करने की मांग की गई। पिछले 2003 से 2022 का सफर हो गया, 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को नहीं दे पा रही है। 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने पिछड़े वर्ग के साथियों का ध्यान रखते हुए उनकी जनसंख्या के आधार पर 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में 27% आरक्षण का आदेश पारित कर दिया था। उसी के तहत आने वाले समय में जो चुनाव होते उसमें 27% हमारे प्रतिनिधियों को नौकरियों में सब जगह उनको अधिकार मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के शिवराज और उनकी ये अलीबाबा 40 चोरों की टीम ने सरकार को गिरा के अपनी सरकार बना ली। चलिए, सरकार आपने बना ली, आपका स्वागत है। जनादेश का सम्मान नहीं किया, ना संविधान की रक्षा की। आज स्थिति यह हुई कि 27% की जो अपनी बात कोर्ट के अंदर शिवराज जी को और उनकी कैबिनेट को रखना चाहिए था, उन्होंने नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि चुनाव कराए जाएं। चुनाव होने चाहिए, लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के सम्मान के साथ चुनाव होने चाहिए। शिवराज जी से, नरेंद्र मोदी जी से और ख़ास तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय नड्डा जी, आप भी मध्य प्रदेश के रिश्तेदारी जबलपुर के अंदर है, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आपका प्रेम सद्भाव है, तो मध्य प्रदेश की जाम जनमानस के लिए आप 4 कदम चलिए और पिछड़ों के सम्मान में, पिछड़ों के साथ जो हो रहे हैं अन्याय में, पार्टी के साथ अलग हटके, जिस तरह सतपाल मलिक किसान आंदोलन में पार्टी से हटके किसानों की बात करते थे, इस तरह जेपी नड्डा जी आप आइए और पिछड़ों के सम्मान की बात कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। और जो आने वाला समय चुनाव का है, उसमें पिछड़ों वर्ग के जो साथी हैं वह वार्ड जो आरक्षित था उसी आधार पर चुनाव होने चाहिए, जिससे गरीब हमारा पिछड़े वर्ग का साथी भी पंचायत के रूप में, पार्षद के रूप में, जनपद सदस्य के रूप में अपनी भागीदारी निभा सके।